नमस्कार दर्शकों, हम आए हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। ये संस्थान बकरी और भेड़ पर, मुजफ्फरनगरी भेड़ पर रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी बकरी और भेड़ को लेकर यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं। सैकड़ों एकड़ में फैला ये संस्थान और किस तरह के रिसर्च वर्क कर रहा है बकरियों को लेकर, बकरी पालकों से जुड़े कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चलाए जाते हैं, वो किस तरह के प्रोग्राम हैं, आइए हम जानते हैं डायरेक्टर मनीष शेतली जी से। जो हमारा ये केंद्रीय बकरी पालन अनुसंधान है, ये मखदूम गांव में फरा ब्लॉक में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह संस्थान 756 एकड़ में फैला हुआ है। हमारा इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है पुअर मैंस काउ, जो हम कहते हैं उसको, कैसे हम मनुष्य आजीविका सुरक्षा के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे यहाँ पे रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन और एक्सटेंशन का काम किया जाता है। हमारे इस संस्थान के अंदर चार डिफरेंट डिविजन्स हैं। जो एक पहली डिवीज़न है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, जो कि नस्ल सुधार के ऊपर कार्य करती है। दूसरी जो हमारी डिवीज़न है एनिमल न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये जो बकरी के खान पान और उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, मिल्क, मीट, वूल, फाइबर, उनको कैसे हम प्रोसेस करके कैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके बारे में खोज करती है। तीसरी जो डिवीज़न है हमारी एनिमल हेल्थ, जो बकरी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके उसके समाधान के ऊपर कार्य करती है। चौथी डिवीज़न है हमारी एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, जो ये डिवीज़न है जो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बकरी के AI टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उसका कैसे नस्ल सुधार कर सकते हैं, कैसे उसके फिजियोलॉजी के को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ रेट और उसका उसमें फ़ायदा हो सके। और उसके अलावा हमारा एक सेक्शन है जिसमें हम लोग एक्सटेंशन, एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक सेक्शन है, जिसके अंदर कि हम लोग जितने भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह है और वो हम लोग सारे उसी के अंदर कवर करते हैं। तो ये हमारा संस्थान 12 जुलाई 1979 को शुरू हुआ था और इस संस्थान को इस कार्यकर्त करते हुए 43 वर्ष हो गए हैं और इसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और जो कि हमारे फील्ड में काम आ सकती हैं वो डेवलप करी हैं। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह से एक साइंटिफिक मेथड को अपनाते हुए आप बकरी पालन, भेड़ पालन से भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक पर। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।